Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So in the today's video, we are going to talk about tax structure in India. हम एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम एस एस सी की कम्प्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे. बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. द वीडियोज़ आर देयर ऑन द चैनल. अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर, किस तरीके के टैक्स इंडिया में लेवी होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. सो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू द गवर्नमेंट. क्यों? ताकि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके. ये लीगली इम्पोज होता है. दैट मीन्स द टैक्स पेयर्स कैन नॉट रिफ्यूज़ टू पे द टैक्सेस. आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो लेकिन आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते. किस तरीके के टैक्स होते हैं? एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा. मॉडर्न इकोनॉमिक्स टैक्सेस को इस तरीके से भी डिफाइन करती है. दैट इज़, इट इज़ अ मोड ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन. इसका क्या मतलब है कि रिच पीपल या पीपल हुआ अर्निंग, उनसे उनकी इनकम का कुछ पार्ट लेके पुअर पीपल में दिया जा रहा है. सो इट इज़ समवॉट लाइक दैट, ओनली गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेके उसे पब्लिक के लिए यूज़ करती है. तो इसे हम इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन करते हैं इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये डायरेक्टली पर्सन की इनकम और वेल्थ पे लेवी होता है और ये डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को ही पे करते हैं. जैसे कि इनकम टैक्स, आपकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम होती है गवर्नमेंट उस पर कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपसे इनकम टैक्स लेती है. कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. देन कम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो भी हम मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी कुछ टैक्स हम पे लेवी किया जाता है. वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब वो आपकी इनकम पे नहीं लिया या डायरेक्टली आपसे नहीं लिया गया, बट इनडायरेक्टली आपसे लिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा. दीज आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. सो मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, तीन तरीके के मेथड्स होते हैं टैक्सेशन के. रिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शनल टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब होता है बढ़ना. तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा. इट इज़ समथिंग लाइक दैट. तो बेसिकली इसका पर्पस होता है कि जो लो इनकम ग्रुप हैं उनसे कम टैक्स लिया जाए और जो हाई इनकम ग्रुप हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए. इसमें जैसे इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ही चलता है. इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फर्स्ट स्लैब पे आप सिर्फ 10% टैक्स दोगे, सेकंड स्लैब पे आप 20% और थर्ड स्लैब पे आप 30%. तो जिस पर्सन की इनकम कम है और वो सिर्फ फर्स्ट स्लैब पे ही आता है, मतलब वो अपनी इनकम का सिर्फ 10% एज अ टैक्स देगा. जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा है और वो सेकंड स्लैब में आ जाता है, मतलब वो अपनी इनकम का कुछ परसेंट का 20% टैक्स देगा. सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. ये आइडियल भी है. ऑब्वियसली द पीपल हु आर अर्निंग हायर उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाए एंड द पीपल हु आर अर्निंग लेस उनसे कम टैक्स लिया जाए. ये वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलर टैक्सेशन सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही है. देन कम्स रिग्रेसिव. रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि आप, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनसे जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे आप कम टैक्स ले रहे हो या कम रेट चार्ज कर रहे हो. इट्स नॉट लाइक दैट. इसमें क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स हर पर्सन से लिया जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी इनकम ज़्यादा है एज अ परसेंटेज उसको टैक्स कम पड़ा और जिसकी इनकम कम है एज अ परसेंटेज उसे टैक्स ज़्यादा पड़ा. इसलिए इसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम. इसमें टैक्स इज अप्लाइड यूनिफॉर्मली. तो मतलब लो इनकम ग्रुप के लिए हायर परसेंटेज ऑफ टैक्स जा रहा है और हाई इनकम ग्रुप के लिए लोअर जा रहा है. ये बेसिकली प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उल्टा ही होता है. ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है, हायर प्रोड्यूसर्स को अप्रिशिएट कर रहा है और लोअर को क्रिटिसाइज कर रहा है. बट दिस इज़ नॉट एन आइडियल वे ऑफ टैक्सेशन. एंड देन कम्स प्रोपोर्शनल टैक्सेशन. यहाँ पे इसका मतलब होता है सेम रेट ऑफ टैक्स. आपकी जितनी भी इनकम है एक फिक्स परसेंटेज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है कि इतना परसेंट आपको टैक्स देना है रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम और वेल्थ. तो जो सेल्स टैक्स होता है, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के, क्योंकि इसमें आपकी इनकम नहीं देखी जाती. जितने का भी आपने गुड परचेज किया है या सर्विसेज ली हैं उस पर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाया जाता है. दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम. मूविंग ऑन देन, टैक्सेशन इन इंडिया. आर्टिकल 256 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट करता है कि अदर देन द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि अदर देन द गवर्नमेंट, कोई भी टैक्स नहीं ले सकता है. कोई भी टैक्स आपसे लिया जाएगा तो उसके बैकअप में एक लॉ होना चाहिए, तभी वो टैक्स आपसे कलेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो टैक्सेशन इन इंडिया सिस्टम ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. कुछ टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलते हैं, कुछ होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, और कुछ लोकल अथॉरिटीज़ भी आपसे टैक्स दे सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, म्यूनिसिपैलिटी एंड लोकल गवर्नमेंट्स. मेजर सेंट्रल टैक्स, यानी कि जो मेजर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लगते हैं, वो होते हैं इनकम टैक्स,
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि IGST, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, इस सब के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। और स्टेट्स हमसे किस तरीके के टैक्स लेती है, स्टेट GST, इसे हम SGST भी कहते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, और लोकल बॉडीज हमसे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, इस तरीके के टैक्सेस लेते हैं, और इन्हीं को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कैटेगरीज में डालते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्टली पर्सन की इनकम और वेल्थ पे जा रहा है, ये एक ऐसा टैक्स है जिसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब इनकम मेरी है तो मुझे ही टैक्स देना है, मैं ऐसे नहीं कह सकती अच्छा मेरी इनकम पे इतना टैक्स बना है तो ये टैक्स आप किसी और से ले लो, वी कैन नॉट डू दैट। दिस टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये वाला टैक्स प्रोग्रेसिव है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलता है, यानी कि जिनकी इनकम हायर है उनको हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा और जिनकी इनकम लोअर है उन्हें लोअर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि पर्सन की पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे टैक्स लिया जाता है, इसलिए हम इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो भी ये टैक्स लगते हैं, ये कौन रेकमेंड करता है कि कितना रेट चलेगा, ये रेकमेंड करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम CBDT भी कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। देन मेरिट्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस के, एक तो ये प्रोग्रेसिव है, ये इसका अच्छा बेनिफिट है कि हायर पे हायर टैक्स एंड लोअर पे लोअर टैक्स होता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन काफ़ी कम होती है क्योंकि ये जो टैक्सेस होते हैं ये डायरेक्टली पर्सन से गवर्नमेंट तक जाएंगे, इसमें बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा इनकम इलास्टिक होते हैं, ऑब्वियसली बात है अगर इनकम बढ़ेगी तो डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ते हैं, तो दिस इज़ गुड फॉर द गवर्नमेंट। इफ़ द कंट्री इज़ अर्निंग हायर, अगर आपका नेशनल आउटपुट बढ़ता है तो गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ती है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा किया है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं तो प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, तो ये एक तरीके से इन्फ्लेशन होती है। और कभी कभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी काम आते हैं। एंड डीमेरिट्स क्या हैं इसके, कुछ सिंपल से डीमेरिट्स हैं इसके, यही हैं ऑब्वियसली अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा एंड पीपल मे नॉट लाइक इट, सो दे जनरली ट्राई टू अवॉइड द टैक्सेस। कभी कभी टैक्सेस डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि द पीपल ट्राई टू इवेड टैक्सेस। इवेड कैसे करते हैं, लोग अपनी इनकम को गवर्नमेंट को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे, एंड द पीपल व्हेन दे विल नॉट रिपोर्ट द इनकम, तो वो बेसिकली एक ब्लैक मनी बन जाता है जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सो दीज आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देन कम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, ये दिस विल बी चार्ज इफ यू बाय एनी गुड और यू यूज एनी सर्विस, तो ये इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। एक्चुअली ये टैक्स आप दे किसको रहे हो, जिससे आपने गुड्स एंड सर्विसेज बाय किया है और वो इसको गवर्नमेंट को देगा। ये टैक्स बर्डन ईजिली शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर गुड पे टैक्स लगाया 10%, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को कहती है कि तुम हमें 10% दो। प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपनी कॉस्ट को 10% इंक्रीज कर देगा और कंज्यूमर के ऊपर ये बर्डन शिफ्ट कर देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन ईजिली शिफ्ट किया जा सकता है और ये प्रोग्रेसिव नहीं है। दीज आर प्रोपोर्शनल टैक्सेस, ये सब पे बराबर लगते हैं। जितना आपने सर्विसेज या जितने भी गुड्स बाय किए हैं उसका कुछ परसेंट आप दोगे, सो दिस इज सेम फॉर एवरीबडी। ऐसा नहीं है किसी की इनकम ज़्यादा है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा रेट लगा देंगे, वी कैन नॉट डू दैट। सो दीज आर प्रोपोर्शनल, दीज आर नॉट प्रोग्रेसिव। GST, कस्टम ड्यूटीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। मेरिट्स क्या होते हैं, पहली बात सबके लिए सेम है वेदर दे आर रिच और पुअर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता है, आप ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हो, मतलब यू कैन कलेक्ट दिस टैक्स फ्रॉम लार्जर नंबर ऑफ पीपल बिकॉज इट इज सेम फॉर एवरीबडी। गवर्नमेंट इस तरीके के टैक्सेस, ये जो टैक्सेस होते हैं जनरली ऐसे गुड्स पे भी लगाते हैं विच आर हार्मफुल फॉर द पीपल। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, लिकर, गवर्नमेंट इन पे, इफ़ यू नो गवर्नमेंट इन पे बहुत हाई टैक्सेस लेती है। ये एक तरीके से यूज़ भी हो जाता है, एक तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है, दूसरा इससे लोग डिस्करेज होते हैं टू बाय दीज टाइप्स ऑफ गुड्स। इन्हें हम सिन टैक्सेस भी कहते हैं, सिन का मतलब होता है पाप करना, तो हम इन्हें सिन टैक्सेस भी कहते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। डीमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो एक तरीके से रिग्रेसिव हो गया, मतलब यू आर चार्जिंग सेम रेट फॉर एवरीबडी, सो ये एक तरीके का डीमेरिट हो जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आई नो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, इलास्टिसिटी वहाँ पे भी आएगी, लेकिन वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी डायरेक्ट टैक्सेस पे आती है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर मोर इलास्टिक, दे हैव अ वेरी क्विक इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन इनकम, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस एज कम्पेयर लेस इलास्टिक्स होते हैं, बट हाँ उन पे भी इम्पैक्ट आता है। दिस इज अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मूविंग हेड सी बात करते हैं GST के बारे में। दिस इज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि गवर्नमेंट ने लागू किया था
टू रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस. बेसिकली इसका पर्पज था वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द इंटायर कंट्री. ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी टैक्स अगर लेवी किया जाएगा तो उसके पीछे एक लॉ होना चाहिए. तो इसी के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास किया गया था इन द पार्लियामेंट ऑन 29th मार्च 2017. इम्पॉर्टेंट डेट है. और ये एक्ट इम्पैक्ट में आया था, इनैक्ट हुआ था इन जुलाई 2017. मोटो क्या था? वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स. ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है, आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में. तो ये एक तरीके का जीएसटी है. ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स है ऑफ द कंट्री. डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एंड जहाँ पे गुड्स सेल हुए हैं. तो ये टैक्स कहाँ पे लगेगा? ये टैक्स लगेगा जहाँ पे गुड्स सेल हुए हैं, यानी कि डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उस गुड की, फाइनल कंज्यूमर कहाँ पे था इस गुड का, वहाँ पे इस टैक्स को लगाया जाता है. तो फॉर एग्जांपल गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं तेलंगाना में बट दे आर सोल्ड टू द फाइनल कस्टमर इन कर्नाटका. तो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन क्या है? पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है कर्नाटका. तो ये जो टैक्स है जीएसटी, ये कर्नाटका में लिया जाएगा ना कि तेलंगाना में. दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा उसे हम सीजीएसटी कहते हैं. एसजीएसटी इज स्टेट जीएसटी, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है. और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मिलता है. अब इनके बारे में फ़र्क क्या है? सीजीएसटी तब मिलेगा जब विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर, जब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्शन भी हुई है, कंजम्पशन भी हुई है, सब कुछ वहीं हुआ है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. यानी कि यहाँ पे आप जितना भी टैक्स देंगे, आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. तो कभी कभी जैसे 18% सपोज आपने कोई गुड बाई किया विद इन अ स्टेट, तो आपके ऊपर 18% जीएसटी लगा है, तो इसका 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. द रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द सेंटर एंड द स्टेट. देन कम्स इंटर स्टेट. अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्शन कहीं हुई है, कंजम्पशन कहीं हुई है, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि जिस स्टेट में कंजम्पशन हुई है वहाँ पे टैक्स माना जाएगा. तो यहाँ पे लगा आईजीएसटी. आईजीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हिस्सा है ही है, लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जितना हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करके उनको देगी. तो आईजीएसटी इज लेविड व्हेन देयर इज अ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर बनता है और वो फिर उनको जहाँ पे डेस्टिनेशन थी वहाँ पे देगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. मूविंग अहेड, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स. जो जीएसटी है ये एप्लीकेबल है ऑन ऑल द यू नो ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन लिकर, एल्कोहल लिकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ये जो सिंगल टैक्स है इसने बहुत सारे मल्टीपल लेवल ऑफ टैक्सेस को रिप्लेस किया है, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स. जीएसटी काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट करता है. ये यहाँ पे लिस्ट है जो कि प्री जीएसटी यानी कि जीएसटी से आने से पहले जो उनसे टैक्स लगते थे और इन सब टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस किया है. स्टेट यू नो सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ड्यूटीज ऑन कस्टम्स, एक्साइज टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स एंड टैक्स ऑन लॉटरीज एंड बेटिंग. ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया था जीएसटी ने. तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रीड दिस लेटर ऑल्सो. करेंट जीएसटी रेट्स क्या हैं? अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग जीएसटी लगता है. तो जीएसटी जो है हमारे 7 स्लैब्स में है, 0% से लेके 28% तक के स्लैब्स में लगता है. ये परसेंटेजेस भी आपको पता होने चाहिए. एडवांटेजेस क्या हैं? रिमूविंग द कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट. सो कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट का मतलब होता है जैसे पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्सेस इम्पोज होते थे, जैसे कि मल्टीपल टैक्सिंग हो जाती थी और चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते थे. तो क्योंकि अब एक सिंगल टैक्स है जो कि सीधे फाइनल डेस्टिनेशन पे लगेगा, तो इसलिए टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जिसे हम पोरिंग इफेक्ट कहते हैं, हर चीज़ पे आ रहा है, वो रिमूव हो गया है क्योंकि अब एक सिंगल टैक्स है. सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स, क्योंकि अगेन डेस्टिनेशन बेस्ड है तो एक ही जगह पे टैक्स लगता है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये रेगुलेट करने में हेल्प करता है. ऑनलाइन प्रोसीजर सिंपल हो जाते हैं और इससे एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स भी बढ़ती है. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो दैट्स इट, दिस वॉज अबाउट द टैक्स. इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं. आई होप आई हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. और अब जितना भी यू नो मटेरियल है, आई थिंक 1 or 2 वीडियोज़ आर मोर देन इनफ एंड देन विल बी एबल टू कम्प्लीट द यू नो इंटायर इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर एसएससी एग्जाम्स एंड देन आई विल कम विद द
वीडियोस जिसमें हम की पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट. एंटिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.